नया भारत नया कानून, 150 साल के बाद 3 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए हैं और 3 नए भारतीय कानून लागू हो गए। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि गुलामी की सोच खत्म होगी। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, उसमें इंडिया शब्द था, अब उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो अब भारत आ गया, इंडिया की जगह भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो वो भी इंडिया गया, भारत आ गया। आम आदमी के लिए इसमें बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि जहां आपके साथ अपराध हुआ है वहीं जाके FIR कराना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बंगाल में थे, वहां आपके साथ कुछ मारपीट हो गई, अब वहां से आप भागे, वहां आपके पास डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप वहां FIR करा सको, तो आप दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में जाके FIR करा दो कि बंगाल के इस थाने में इस स्थान पे आपके साथ ये हुआ है, आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी। दूसरा फायदा, ये FIR लिखने की एक टाइमलाइन फिक्स हो गई है। तीसरा फायदा, पुलिस की जांच कंप्लीट करने की भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। चौथा फायदा, जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए चार्ज फ्रेम करना अनिवार्य होगा। देखिए क्रिमिनल लॉ कैसे चलता है, सबसे पहले शिकायत की जाती है, शिकायत करने के बाद पुलिस उसकी देखती है कि शिकायत ठीक है या नहीं है, थोड़ा एक प्राइमा फेसी उसकी जांच करती है, फिर वो FIR में FIR लिख देती है, FIR के बाद जांच होती है, फिर वो चार्जशीट बनती है, वो चार्जशीट फाइल की जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करते हैं, एक दो सुनवाई करने के बाद चार्ज फ्रेम करते हैं। तो अब इस सभी चार के चारों प्रोसेस का टाइम फिक्स हो गया, FIR करने की टाइम फिक्स, जांच करने की टाइम फिक्स, चार्जशीट फाइल करने की टाइम फिक्स और जज के द्वारा भी चार्ज फ्रेम करने का टाइम फिक्स हो गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब पूरी बहस पूरी हो गई तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है बहस पूरी हो जाती है, जज साहब जो है उस मुकदमे को 6 महीने बाद उसका फैसला सुनाते हैं, उसकी भी टाइम फिक्स हो गई है कि सुनवाई के 60 दिन के अंदर आपको मुकदमे का 45 सुनवाई कंप्लीट करने के 45 दिन के अंदर आपको फैसला सुनाना ही सुनाना है। तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पूरे के पूरे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तीनों कानूनों का, तो हम धीरे धीरे जस्टिस विद इन ईयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तीन कानून लागू होते ही 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन तीनों कानूनों के बाद 1 साल के अंदर जो फैसला होना चाहिए उसकी तरफ हम आप आगे बढ़ चुके। इसमें स्नैचिंग को बहुत सीरियस ऑफेंस बना दिया है। आप देखते रहते हैं चेन स्नैचिंग होती रहती है, मोबाइल स्नैचिंग होती रहती है, आए दिन झपट्टामारी चलती रहती है, उसको गंभीर अपराध बना दिया है। आतंकवाद को इसमें शामिल कर लिया है, पहले उसमें नहीं था। पहले IPC में राजद्रोह था, देशद्रोह नहीं था, यानी शासन की बुराई करना, शासन के खिलाफ कुछ करना अपराध था, लेकिन देश के खिलाफ कुछ करना अपराध नहीं था। अब उल्टा हो गया, शासन खिलाफ आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने देश के खिलाफ कुछ किया तो गंभीर अपराध माना जाएगा। तो अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह आ गया है। अच्छी बात यह है कि अगर आप देश के बाहर बैठ के कुछ करते हैं तो भी आपको यहां घसीटा जा सकता है। आप भारत के अंदर से भारत के खिलाफ कुछ करिए या भारत के बाहर बैठ के पन्नू जैसे या खालिस्तानियों तरीके कुछ करिए तो भी आपके खिलाफ ये मुकदमा यहीं दर्ज हो जाएगा और ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसको शामिल कर लिया गया। जो भारतीय साक्ष्य संहिता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस मान लिया गया। चूंकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो 1872 में बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, और जब 1872 में बनाया था उस समय ना उसमें मोबाइल होता नहीं था, फोन होता नहीं था, व्हाट्सएप चैटिंग होती नहीं थी, टेलीग्राम होता नहीं था, ये सब कुछ होता नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस नहीं माना जाता था, लेकिन अब नई वाली जो भारतीय साक्ष्य संहिता है इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस माना जाएगा। आपने व्हाट्सएप चैटिंग किया, आपने SMS के जरिए चैटिंग किया, आपने फोन के जरिए चैटिंग किया, चाहे आपने व्हाट्सएप कॉल के जरिए चैटिंग किया, टेलीग्राम कॉल करके चैटिंग किया, या कोई और ऐप यूज करके चैटिंग किया, या ईमेल के जरिए चैटिंग किया, या इंस्टाग्राम के जरिए चैटिंग किया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है माध्यम, वो सब के सब एविडेंस माने जाएंगे। तो इससे भी सजा दिलवाने में काफी मदद मिलेगी। पहले क्या होता था, बहुत सारे गंभीर अपराधों में सबूत के अभाव में बरी हो जाते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वो हाई टेक्नोलॉजी यूज करते थे, उसको एविडेंस माना नहीं जाता था। तो बहुत सारे अब नक्सली, आतंकवादी, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, ये सब के सब
सबूत के अभाव में बरी हो जाते थे, पुलिस सबूत नहीं दे पाती थी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता था, इसके बावजूद भी वो सबूत के अभाव में बरी होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस माना नहीं जाता था। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एविडेंस माना जाएगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो अब सजा का रेट डबल हो जाएगा, पहले कुछ राज्यों में सजा 10% होती थी, यानी अगर 100 एफआईआर होता था तो केवल 10 लोगों को सजा होती थी, 90 लोग बाइज्जत बरी हो जाते थे। कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि 100 एफआईआर होता है तो 50 लोगों को सजा होती है, 50 लोग बरी हो जाते हैं। मेरा यह मानना है कि जहां 10% सजा होती थी अब वो 20% हो जाएगी, जहां 20% सजा होती थी वो 40% हो जाएगी, सजा का रेट डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी कुछ करने की जरूरत है। जो 3 नए कानून आए हैं इसमें झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया है, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया। यानी मान लीजिए कोई बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो उसको कोई सजा नहीं होगी। तो जो मिसयूज है वो चलता रहेगा, फायदे अनेक हैं, लेकिन जो कानून का मिसयूज हो रहा था, दहेज का झूठा मुकदमा, छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा, बलात्कार का झूठा मुकदमा, SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा, उसके लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, झूठी शिकायत, झूठा मुकदमा, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठी चार्जशीट, इसको भी गंभीर अपराध घोषित करें। दूसरा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी करें, अनिवार्य करें, उसको भी एविडेंस माना जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को। जितने व्हाट्सएप वगैरह तो अब मान लिया गया, लेकिन अभी न तो झूठ को